हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। इमरान, पाकिस्तान में इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे, लेकिन उसी मुल्क में एक हिंदू परिवार अपनी जान नहीं बचा पाया। पाकिस्तान को नरकिस्तान क्यों कहते हैं, इसका आज एक और सबूत आपके सामने है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक खासकर हिंदुओं के खिलाफ स्टेट पॉलिसी बनाई गई है। हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और जो इनकार कर देते हैं तो उसका हाल रामचंद्र जैसा हो जाता है। पाकिस्तान में अगर कोई हिंदू परिवार इस्लाम कबूल करने से इनकार करता है तो उसके साथ क्या होता है, इसकी गवाही ये दर्दनाक तस्वीरें दे रही हैं। रामचंद्र अपनी पत्नी, दो बेटी और एक बेटे के साथ हंसी खुशी जी रहा था। उसका ना किसी से कोई झगड़ा था, ना लेने देने का कोई मामला था। कदी ना इन्हें गोल कोई गल ना की, कोई बात ना की। असि आसा मसा मजा करता रहा, रोटी लिया रहा सू। मैं दो महीने ना आवा तो अगे फोन करके मंगवा छड़ता, ना मेनू ले आंदा, बाजी तू क्यों नहीं आंदी। काम करता सी, काम दर्दी जो काम करता सी। लेकिन एक रात पूरे परिवार की गर्दन काट कर हत्या कर दी जाती है। इस कमरे में वो कत्ल हुए हैं या उनको मार के, खुद को रामचंद्र ने मुबैना तौर पर खुद मार के उनको की बच्चों को कत्ल करके खुद को खुदकुशी की है, इसके बारे में तहकीकात की जा रही है। फ्रेंसिक टीम यहाँ पर आई है, जिस कमरे में वो यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर फ्रेंसिक टीम ने तमाम शवाहद इकट्ठे कर लिए गए हैं। इसके कमरे के दरवाज़ा सुबह जब उसका भाई, ये साथ ही उसके भाई का घर है, जो छोटी सी दीवार है उसने उसको आवाज़ मारी कि सुबह उठे नहीं है, सुबह 8 बजे का वक्त हो गया तो बच्चे क्यों नहीं उठे। जब उसने उसको आवाज़ मारी वो नहीं उठे तो वो अंदर आया, उसने देखा कि दरवाजा बंद था, दरवाजा खटखटाया तो नहीं खोला, तो हमसायों की मदद से उसने इस दरवाजे को खोला, अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि उसके भतीजे, उसके भतीजा, उसके दो भतीजियां और भाभी कत्ल मर चुके हैं, जबकि उसका भाई शदीद जख्मी हालत में है, जिसके गला काटा हुआ है। उसको जख्मी हालत में रेस्क्यू 112 की मदद से शेखजाद हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, मगर वो भी जान बचा ना सका। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में इस खबर को महत्व नहीं दिया गया, ना ही पाकिस्तानी अखबारों में हिंदू परिवार के कत्ल की खबर हेडलाइन बनी। पाकिस्तानी पुलिस भी इसको आत्महत्या का केस बता रही है, लेकिन ये केस सीधे तौर पर धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। हिंदू परिवार की हत्या रहीम यार खान शहर में 15 किलोमीटर दूर चक नंबर 135 P अबू धाबी कॉलोनी में हुई। पाकिस्तान के इस इलाके में हिंदुओं की हालत बहुत खराब है, न सरकार मदद करती है, न कोई एनजीओ उनकी आवाज उठाता है। इनके सामने एक ही शर्त रखी जाती है, खाना खाना है, जिंदा रहना है तो पहले मुसलमान बन जाओ। रामचंद्र की हत्या से पहले उनके इलाके में क्या हुआ वो देखिए। अब्दुर्रहमान भाई, आपका पहले क्या नाम था? पहले मेरा नाम साजू था। साजू था जी। कौन से मजहब से तल्लुक रखते थे आप? हम हिंदू थे सर। हिंदू मजहब से आपका तल्लुक था जी? हाँ। अच्छा, कितने आपके घर के अफराद जो हैं वो मुसलमान हुए हैं? 9 आदमी हम मुसलमान हुए हैं सर। अच्छा, 9 अफराद हैं जी। हाँ। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों पे किसी ने दबाव तो नहीं डाला कि आप इस्लाम कबूल किए, आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया आपने, या किसी के दबाव में आकर इस्लाम कबूल किया है? नहीं सर, हमने बड़ी खुशी से अपना इस्लाम को कबूल किया है और इस कलमे को अंदर में बिठाया है। हमें बहुत सुकून हुआ है, इस बात की बहुत खुशी हुई है। हम लोगों से भी मिल रहे हैं, ये हमारा हालात है घर का। भाईजान, इसका मेहरबानी की जाए, हमने तुम्हारे अपने दीन में आ गए हैं तो इसका कोई पर्दे शर्दे का कोई, घरों का भी गरीब है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम कृष्णा। कृष्णा है? अब्दुल्ला है। अब जो इस्लामी नाम रखा गया वो क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला? हाँ जी। अब्दुल्ला भाई, आप क्या काम करते हैं? हम फेरत मेहनत मजदूरी करता। इनकी हालत बता रही है पाकिस्तान में इन पर कितना जुल्म किया गया होगा। पाकिस्तान में मुसलमान हिंदुओं के साथ खाना तक नहीं खाते, उनको अपने से नीचा समझते हैं। नंबर 137 चक में बहुत उलमा कराम इकट्ठे हुए, जिससे इनको मुसलमान किया गया। उसके बाद ये हमारे दीन में शामिल हुए, उसके बाद हम इनसे बिला झिझक साथ खा रहे हैं, कोई नफरत नहीं, कलमे में इतनी ताकत है। ये मामला चक 137 का है, जबकि रामचंद्र की हत्या चक नंबर 135 में हुई। दोनों कड़ियां जुड़ी हुई हैं। ये तस्वीर महेश बजाज की है, जिसको सिंध प्रांत में दिन दहाड़े मार दिया गया।
हिंदू समुदाय महेश के लिए इंसाफ मांग रहा है, धरने पर बैठा है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, जेनोसाइड किया जा रहा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सिर्फ 205 हिंदू बचे हैं, फाटा में 1921 हिंदू रहते हैं, बलूचिस्तान में 39,146 हिंदुओं का घर है, पाकिस्तानी पंजाब में 1,16,000 हिंदू आबादी है और सिंध में 22,80,000 हिंदुओं का ठिकाना है। सिंध में सबसे ज्यादा हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यक रहते हैं। यहाँ पर पहले उनकी बेटी का अपहरण किया जाता है, फिर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। ये सिंध की राजधानी कराची है, जहाँ पर एक माँ अपनी 13 साल की बेटी से मिलने के लिए रो रही है, चिल्ला रही है, मगर फिर भी वो अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देख पाती। ये महिला ईसाई है और इसकी 13 साल की बेटी आरजू रजा का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। बाद में मालूम हुआ कि एक 44 साल के आदमी ने इसकी बेटी से शादी कर ली है और अब वो आरजू फातिमा है। पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन स्टेट पॉलिसी है, क्योंकि जब ये केस कोर्ट पहुंचा तो जज ने कहा लड़की बड़ी हो चुकी है, अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। क्रिश्चियन लोगों को, हिंदुओं को, सिख लोगों को, किसी मिनोरिटी के बंदे को पाकिस्तान में कोई तहफ्फुज नहीं है। ये एक गंदी और गलीज जिसको कहते हैं, इस पाकिस्तान को कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी लग चुकी है कि इनको किसी का कोई एहसास नहीं है। किसी की एक मासूम बेटी को उठा के उसके साथ पहले शादी करते हैं, फिर उसके उसको जबरदस्ती उसका उसको उसका मजहब चेंज करते हैं, उसके बाद फिर कोर्ट में भी लेके जाते हैं और वहां जाके भी जो वहां पे बैठा हुआ एक अनपढ़ जहल जज बैठा हुआ है कि जो कह रहा है कि बच्ची इस काबिल है कि शादी कर सकती है, लानत हो तेरे ऊपर, तेरे ऊपर खुदा की लानत पड़ेगी कि तूने उस बच्ची को, मासूम बच्ची को तूने इंसाफ नहीं दिया। पाकिस्तान में जब भी कोई जबरन धर्म परिवर्तन का केस सामने आता है तो वहां पर एक ही तर्क बार बार दिया जाता है, लड़की ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। जबकि सच क्या है, वो ऐसे ही चंगुल में फंस चुकी इस बेटी से सुनिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मदीना की रियासत की बात करते हैं, जिसमें सबको बराबर हक मिले, लेकिन पाकिस्तान में कोई मुसलमान धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। मुस्लिम को धर्म परिवर्तन कराने वाले को फांसी की सजा भी हो सकती है। अगर कोई मुस्लिम अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करता भी है तो उसको 2 साल तक की जेल हो सकती है। अब मुझे बात समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान के अंदर अगर एक कानून ऐसा है जिसके तहत एक मुसलमान दूसरे मजहब में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो यही जो कानून है ये आखिर हिंदुओं के लिए क्यों नहीं है। दूसरी बात कि अगर किसी हिंदू का मुसलमान होना कंसीडर किया भी जाता है तो उसकी कोई एज, कोई उम्र मुतय्यन क्यों नहीं की गई? क्योंकि मेरे हिसाब से जो मासूम बच्ची अपने लिए एक लीडर नहीं चूज कर सकती, वोट नहीं कर सकती, शनाख्ती कार्ड नहीं बनवा सकती 18 साल की उम्र से कम, बैंक का अकाउंट नहीं खुलवा सकती, जो ये छोटे छोटे से माइनर डिसीजंस अपनी जिंदगी के नहीं ले सकती, उसका मजहब बदलने का डिसीजन, उसका 18 साल की उम्र से कम एक लड़के के साथ, एक मुसलमान लड़के के साथ शादी करने का डिसीजन, उसका अपने घर, अपनी कम्युनिटी को छोड़ने का डिसीजन, उसका जो है क्या कहते हैं, अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में इतना बड़ा डिसीजन, ये सारे डिसीजन आखिर किस तरह से सही माने जा रहे हैं। वैसे तो इमरान खान दुनिया के हर मुद्दे पर बोलते हैं, चीन और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कराने की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर कुछ नहीं बोलते। बोलेंगे भी कैसे, क्योंकि उनकी सरकार खुद एंटी हिंदू एजेंडा पर यकीन करती है। उनके मंत्री, सांसद सरेआम हिंदुओं का अपमान करते हैं। जो इमरान खान की पार्टी के सांसद आमिर लियाकत हैं,
जो वोट लेने के लिए हिंदुओं के पास जाते हैं। डीडीओ ने वादा किया अल्ताफ ने और सबका साहब ने हमसे वादा किया कि बेटा तुम्हारा घर टूट रहा है ना, तुम्हारा मायदे में लिखे हुए ना, और तुम्हारा घर भी देखो कभी मायदा खड़े उसके 10-15 साल होने को आ गए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तो मंदिर ही नहीं दिया, मंदिर भी नहीं दिया, चिल्लाते रहे चिल्लाते रहे। और फिर ट्वीट करके हिंदू देवी देवता का मजाक उड़ाते हैं। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने पीटीआई के रुकने कौमी असेंबली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के एक ट्वीट पर अपने सख्त रद्द अमल का इजहार किया और ट्वीट को फौरी तौर पर डिलीट करने और मुआफी का मुतालबा किया है। ये तो हैरत ये है कि पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को मजहबी स्कॉलर समझते हैं और वो इस किस्म का ट्वीट करते हैं और दिलाजारी करते हैं कम्युनिटी की, जो दूसरे रिलीजन की रेस्पेक्ट नहीं समझता है, वो मैं समझता हूँ अपने मजहब का सही फॉलोअर ही नहीं है, और ऐसा ट्वीट किया वो करना, मैंने बिल्कुल एक एहतजाज किया है कि आप सिर्फ डिलीट ही नहीं करें मगर आप माफी मांगे। ऐसी गलती पहले फयाज अल हसन चौहान ने की थी। आमिर लियाकत ने जो किया उससे 10 हाथ आगे फयाज अल हसन निकल पड़े। पाकिस्तानी पंजाब में इमरान की पीटीआई की सरकार है, फयाज वहां पर मंत्री है। 2 साल पहले उन्होंने हिंदुओं पर क्या टिप्पणी की थी वो आज फिर सुनने की जरूरत है। हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, पुरामन हैं, हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हमसायों से प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं, लेकिन हमारी इस पॉलिसी को अगर कोई कमजोरी समझेगा तो कान खोल के सुन लो गाय का यूरिन पीने वालों, हम मुसलमान हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर किया गया था। आज पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। सेना से लेकर सत्ता तक मुसलमानों को बराबर हक मिला है, लेकिन पाकिस्तान में आज भी हिंदुओं और मंदिरों से नफरत सिखाई जा रही है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।